बीनू, तुम ठीक तो हो? I'm okay. मगर तुम ठीक तो नजर नहीं आ रही. सोच रही थी बस. क्या? यही सोच रही थी कि मुझे उस प्यार को छोड़ देना चाहिए, यही बेहतर होगा मेरे लिए. तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं. क्या ये बात मुझे बताने की कोई अहम वजह है बीनू? नहीं, इस तरह मत देखो मुझे शहरजाद, वाकई तुमसे इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है. हर सुबह एक नई उम्मीद बनती है और टूट जाती. थक गई हूँ मैं, हर चीज के पीछे भागते भागते थक गई. ऐसा मत कहो करीम साहब, के दिल में मेरी कोई जगह नहीं है, ये बात तो साफ जाहिर है. क्यों मैं कोई उम्मीद कर रही हूँ? मुझे आसमान से प्यार हो गया और आसमान को पता भी नहीं. और बेचारी मैं. ये मिसाल बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं. आसमान तुम हो. तो फिर बदनसीब कौन हुआ? इस मामले में कोई भी बदनसीब नहीं. ये तो और भी बुरा हुआ. करीम साहब भी आसमान, मैं भी आसमान, फिर तो बात बन ही नहीं सकती. बीनू जान, क्या तुम मोहब्बत को आसान समझती हो? अगर ऐसा होता तो हर कोई खुश होता. आसान नहीं है बीनू. शुरू में कई मुश्किलात आती हैं, पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है. कभी मोहब्बत में मौत अलैदा कर देती है, लेकिन प्यार से मुंह मत फेरना. प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है. हम किसी फाउंडेशन की हिमायत करेंगे या फिर खुद ही एक फाउंडेशन खोल लेंगे, पहले इस बात का फैसला करना होगा. आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में फाउंडेशन बन जाए. मेरे ख्याल में भी, मगर पहले इसके बजट पे नजरसानी करने की जरूरत है. हमें कंपनी के बोर्ड का नया चेयरमैन यहाँ मौजूद है, अब मैं सारी बातें इसी से पूछूंगा. मोनर प्लीज, जब तुम चेयरमैन थे तो क्या मैं ऐसा करता था? इस कमेटी के फैसलों से तुम कब अलग हो गए? कभी भी नहीं, और क्यों होगा? मैं तो मजाक कर रहा था. ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं सवाल आंटी, मैं मजाक कर रहा था. अच्छा ना, छोड़ें, कहाँ थे हम? ऐसा करो, शहरजाद को भी बुला लो ताकि उसके सामने ही बात हो जाए. क्यों करीम? ठीक है. नूरहयात साहबा, शहरजाद से कह दीजिए जरा मीटिंग में आ जाए कमरे में. जी जरूर. तुम्हारे ख्याल से पहाड़ों पर चढ़ना कैसा होता है? मैं तो कई दफा गिर भी चुकी हूँ. जानती हो उस वक्त अहमद ने क्या किया? वो मुझे गोद में उठाकर कैंप तक ले गया. उस दिन हमारी मोहब्बत शुरू हुई. अहमद के जाने के बाद भी मुझे कोई भी खुशी नहीं मिली. ए जान, इस तरह बात मत करो. मेरा ख्याल है अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए. जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे सामने एक नई जिंदगी है. ऐसा मत करो, प्यार के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता. हेलो जी, नूरहयात बेगम. ठीक है, मैं आती हूँ. ओनर साहब बुला रहे हैं? नहीं, करीम साहब. अच्छा, तुम लोगों की पीआर का मुताला तो काफी अच्छा है, मगर मुझे इसके कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे. अच्छा फरीदा आंटी, आप फिक्र ना करें, दोबारा सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में. हमें शहरजाद बेगम का ख्याल भी जान लेना चाहिए. हाँ बिल्कुल. वो तो सब ठीक है, शहरजाद इस काम को अच्छी तरह कर सकती हैं, मगर उनके पास इस कंपनी के और भी बहुत से काम हैं. वो ये काम भी करें मुझे एतराज होगा. क्यों करें? ठीक कह रहे हो तुम, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो कंपनी के टाइम में ये काम ना करें. अम्मी, क्यों ना इस हफ्ते के दिन आपके घर पर जमा हो जाते हैं.
और अगर शहजाद फ्री होगी तो बुला लेंगे उसे भी। आइए। मुझे बुलाया था आपने? शहजाद आइए 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 बैठिए। अभी हम कैंसर के बच्चों की फाउंडेशन वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे।